कानपुर के गंगा बैराज में गुरुवार को सेंट्रल स्टेशन की झलक दिखाई दी। लोग यहां सेल्फी लेते नजर आए। परिवर्तन द्वारा गंगा बैराज में सिंचाई विभाग के दफ्तर में बगल में सेंट्रल स्टेशन की प्रतीकात्मक डिजाइन बनाई गई है। साथ ही इंजन भी रखा गया है। उसका उद्घाटन गुरुवार को मंडला आयुक्त डॉक्टर राजशेखर और जिला अधिकारी आलोक तिवारी ने किया। मंडला आयुक्त ने कहा कि 3P यानी प्रशासन, पब्लिक व परिवर्तन मिलकर शहर की तस्वीर बदल सकते हैं। बाहर से आने वालों को बदला हुआ शहर नजर आएगा। परिवर्तन के अनिल गुप्ता, अनूप कुमार द्विवेदी व संदीप जैन आदि ने बताया कि सेल्फी का एक और पॉइंट बन गया है। आने जाने वाले लोग रुककर सेल्फी ले सकते हैं। स्टेशन को 2 फीट चौड़ा बनाया गया है। सर, आज का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके विषय में परिचय देते हुए आप। नहीं नहीं, चाय और कॉफी कुछ भी लेकर आओ। देखिए, आज हम लोग गंगा बैरेज के मदना रोड पे हैं। यहाँ पे परिवर्तन संस्था जो पिछले 13 वर्षों से विभिन्न प्रकार के जनहित के काम कर रहा है, उसमें विशेष करके शहर को सुंदर बनाने का, शहर को बेहतर बनाने का एक जो है कार्यक्रम पिछले कई सालों से इसी के तहत बहुत सारे चौराहों में देखेंगे तो परिवर्तन ने उसको ब्यूटिफिकेशन किया है। और ऐसे चीज़ जो कि वेस्ट मानते हैं जिस चीज़ को, उसका उपयोग करते हुए कि एक बेहतर जो है वहाँ पे प्रदर्शन किया हुआ है। वो आज के डेट में बहुत सारे पॉइंट्स तो सेल्फी पॉइंट बन गए, एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन गए, जहाँ पे कि लोग आते हैं अपना परिवार के साथ और सेल्फी वहाँ खिंचवाते हैं। उसी कड़ी में जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो कानपुर जंक्शन, ये बहुत एक कले ऐतिहासिक जंक्शन है, बहुत पुराना है। और देखेंगे बहुत सारे जो है आप मूवीज़ में देखेंगे तो जब भी रेलवे स्टेशन का किया जाते तो कानपुर जंक्शन का जो है ज़रूर जो है जिक्र किया जाता है। उसी का एक रिप्लिका यहाँ पे आज जो है बैराज पे बनाया गया है और ये लगभग 200 फीट लंबा यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है इसका रिप्लिका को। और ये परिवर्तन संस्था और जो लोहिया कॉरपोरेशन है उनके सहयोग से यहाँ पे बनाया गया है। और ये शहर पुराना है बट ये शहर नई उम्मीदों को जगाते रहता है, नई उम्मीदों को लेके चलता है। और उसी उम्मीद के कड़ी में जो है आज यहाँ पे एक रिप्लिका बनाया गया है। ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और लोग जो है इसको ये करेंगे कि इसका जो एक इतिहास है कानपुर सेंट्रल का, ये इसके माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचेगा।